नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, 3 लेटर जारी हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये 3 लेटर आपके लिए। और तीनों ही लेटर आपको बता दें कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, बिहार से। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हसपुरा औरंगाबाद के लिए नोडल पदाधिकारी ने लेटर लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा नियमित भुगतान संबंधी आपत्ति के संबंध में, यानी कि इसमें आपत्ति की जा रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है भुगतान संबंधी। नीचे भी पत्रांक का जिक्र है, तारीखों का जिक्र है, उसको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात निकल कर जो नीचे क्या आ रही उसको भी जाने के लिए लिखा हुआ है कि उक्त निर्देशानुसार जो है महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा आपकी परियोजना में अंकेक्षण के क्रम मातृ वंदना योजना के जो है 329 लाभार्थियों को कुल जो है इतनी इतनी राशि अनियमित भुगतान करने के संबंध आपत्ति दर्ज की गई। इस संबंध में जो है तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश निदेशालय द्वारा बार बार देने के बावजूद भी 127 लाभार्थियों का प्रतिवेदन प्राप्त होना तथा शेष 202 लाभार्थियों का प्रतिवेदन अपर्याप्त रहना खेदजनक है। विदित हो कि आपसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ही तथ्यात्मक प्रतिवेदन विभाग एवं लेखाकार कार्यालय को भेजा जाना है। 24 घंटे के अंदर निदेशालय को ये उपलब्ध कराएं। तो ये आदेश था जो हमने जाना। अब दूसरी खबर आ रही है, ये देखिए, निदेशक ICDS के द्वारा भेजी गई सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों के लिए। ये पूरे बिहार सरकार की, पूरे बिहार राज्य के लिए खबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता अनुसार ज़रूरतमंद क्षेत्रों में शिफ्ट करने के संबंध में बहुत बड़ा आदेश है। लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिन शहरी क्षेत्रों में केंद्रों की आवश्यकता नहीं है, एक अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन करा लिया जाए और ज़रूरतमंद के क्षेत्रों में इन्हें नियमानुसार शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। निर्देश दिए गए हैं कि कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर निदेशालय की ईमेल ID पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। एक बड़ी बात है, एक बड़ी खबर है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जाते जाते एक और खबर आपको बता देते, कोई आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, ये भी सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को यह पत्र भेजा गया है निदेशक ICDS बिहार की ओर से। इसमें देखिए, निदेशालय पत्रांक 2578 दिनांक 15/5/2019, पत्रांक 878 दिनांक 23/2/2022 एवं पत्रांक 2786 दिनांक 10/6/2022 का जिक्र है। जिक्र के अनुसार क्या लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्रों में THR का वितरण प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि को किया जाना है। THR में सामग्री लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय के पत्रांक संख्या द्वारा सूखा राशन के स्थान पर रेसिपी अनुरूप रेडी टू कुक सामग्री हेतु प्रस्तावित मेनू के अनुसार सामग्रियों को इंडिकेटिव दर जो है उपलब्ध करा दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि निदेशालय के पत्रांक संख्या के अनुसार THR वितरण निर्धारित तिथि को कराना सुनिश्चित किया जाए। तो इतनी सी आदेश थे, 3 लेटर थे जो हमने जाने, तीनों में क्या क्या लिखा था, क्या क्या आदेश जारी हुए थे वो सब हमने जाने। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से बताइए, और 12 बजे लाइव का टाइम, 12 बजे जरूर आइए। नमस्कार।